अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जिसमें बात की जा रही है खून से ताल्लुक़ रखने वाले इस मोहलिक मर्ज़ के मुतालिक। इसी मुनासबत से आज हम थैलेसीमिया ही का तذکرہ करेंगे। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी, जो कि एक कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स से है। इसके अलावा इनकी गहरी वाबस्तगी उमैर सना फाउंडेशन से भी है। आइए उनसे जानते हैं थैलेसीमिया किस तरह का मर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। मैं तो हेल्थ टीवी का, डॉक्टर इकराम, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी इस दिन को आप लोगों ने भरपूर अंदाज में मनाया और सुबह से लेकर शाम तक मुस्तकिल आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो थैलेसीमिया के हवाले से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज आपका टीवी सुबह से बिजी है थैलेसीमिया डे के हवाले से, और ये इट्स रियली सक्सेस। वो याद है ऐसे 4-5 साल पहले, ढाई तीन साल पहले शायद, जो हमने बैठ के बात की थी कि थैलेसीमिया के बारे में कैसे पता चलेगा लोगों को, और आपने भी वादा किया था कि मैं अपने तौर पर जो भी हेल्थ से हेल्थ टीवी और हेल्थ चैनल जो भी मैं हो सकेगा करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रोग्राम से पहले आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने ये महसूस किया कि इतने कम अरसे में जितनी बड़ी कामयाबी हेल्थ मीडिया ने और हेल्थ टीवी और दीगर चैनल्स के थ्रू इस कॉज को मिला है, इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया का नाम बड़ा मुनफरद है। कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है यूनानी जबान में दो अल्फाज की, कि समंदर और खून, यानी समंदरी खून। तो इसकी तारीख़ के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि कितना पुराना मर्ज़ है और कहाँ पर ये इस नाम के पीछे कोई ख़ास वजह पोशीदा है। जी हाँ, ये अच्छा, बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका। इनफैक्ट वैसे तो इंसानी तारीख बहुत कदीम है, मगर जो मौजूदा साइंस की जो मालूमात है उसके हिसाब से मिड 1800s में ये जो ग्रीस की जो पट्टी है जिसको मेडिटेरेनियन बेल्ट कहते हैं, वहाँ पर बीमारी साइंसदानों ने पहले देखी और फिर देखा कि जी वो बच्चों में तिल्ली बड़ी हो जाती है और बच्चों में खून कम होने लग जाता है और खून की बीमारी, और खून की बीमारी जो कि समंदरी इलाकों की पट्टियों में पाई जाती है, तो इसलिए थैलेसीमिया मतलब समंदरी इलाकों वाली खून की बीमारी के नाम से ये मशहूर हुई और फिर यही नाम इसका पड़ गया। और जो मॉडर्न ब्लड बैंकिंग का ज़माना है, मतलब उस तकरीबन बीमारी की तशखीस के कोई 75-80 साल बाद, अर्ली 1900s में ये ब्लड ग्रुप्स इजाद हुए, ए ओ बी ब्लड ग्रुप्स जो इजाद हुए, ये 19वीं सदी या 20वीं सदी की कहना चाहिए कि 1910-1920 के दरमियान का सारा सिलसिला है। और फर्स्ट 25 ईयर्स में ब्लड बैंकिंग का जो शोबा है वो इस्टेब्लिश हुआ, अबाउट 1930s और 40s में प्रॉपर जो मॉडर्न ब्लड बैंकिंग है वो इंट्रोड्यूस हुई। सो जब से फिर इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचनी शुरू हुई, क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इनको खून दरकार होता है, और जैसा कि हेल्थ टीवी के तवस्सुल से पहले भी हम बेशुमार बार बता चुके हैं, आज फिर हम इस बात को दोहराएंगे कि थैलेसीमिया एक ऐसी मारूसी बीमारी है जो माँ और बाप में अगर हो तो बच्चे में आती है। यानी माँ और बाप में ये जो दो क्रोमोज़ोम होते हैं जी, उनमें से एक ठीक काम कर रहा होता है, एक एबनॉर्मल काम, उसमें बीटा ग्लोबुलिन या उसमें हीमोग्लोबिन बनाने की सलाहियत नहीं होती, जो जिसमें सलाहियत होती है वो इतना नॉर्मल बना रहा होता है कि उनकी ज़िंदगी में ख़ुद तो कभी कुछ नहीं पता लगता, वो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन मगर दोनों की ख़राब जीन्स बच्चे में आ सकती हैं। अगर दोनों की ख़राब जीन्स बच्चे में आ जाए, जिसके 25% चांस होते हैं हर प्रेगनेंसी में, मगर 25% तो सिर्फ कैलकुलेशंस की बात है। हो सकता है लाइन से 4 नॉर्मल बच्चे आ जाएँ, और अल्लाह ना करे हो सकता है कि लाइन से 4 नॉर्मल बच्चे आ जाएँ, हो सकता है कि अल्लाह के हुक्म से 4 नॉर्मल बच्चे आ जाएँ। ये वो मारूसी बीमारी है जो माँ बाप के ज़रिए आती है, और ये वो ख़ास बीमारी है जिसके पीछे बहुत कामयाब हिस्ट्री है, जो बहुत कामयाब स्टोरीज़ हैं, जिन मुल्कों में ग्रीस, साइप्रस, जहाँ से ये बीमारी उठी थी, वहाँ पे कोई एक जनरेशन में 30-40 साल की मेहनत के बाद इस बीमारी को 22% से कम करके less than 1% प्रीवेलेंस पे, इसके कैरियर रेट को इवन इस बीमारी के पैदा होने की जो वो है उसको लेकर आ गए। जबकि नए बच्चों के पैदा होने की जो इनकी शरह है वो 22% से कम करके 1% से भी कम कर दिए। और जो ज़राए और जो तरीक़े उन्होंने इस काम के लिए इस्तेमाल किए, उनमें सबसे अहम तरीक़ा तो वो है जो काम आप कर रहे हैं और जो हेल्थ टीवी कर रहा है और दीगर चैनल्स कर रहे हैं, मतलब लोगों में आगाही फैलाई जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि आप शादी से पहले अपने थैलेसीमिया के स्टेटस आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपना हम सफ़र, हमराह, अपना होने वाला शौहर या अपनी होने वाली बीवी ढूँढें तो वो भी थैलेसीमिया माइनर उसको ना हो,
ताकि आपके घर में थैलेसीमिया मेजर का बच्चा जन्म ना ले सके। अच्छा डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की टाइप्स भी होती हैं? जी हाँ, बेसिकली जो कैरियर टाइप है, कैरियर मतलब वो फ़र्द होता है कि जो ख़ुद तो बीमार कभी भी नहीं होता, मगर उसके अंदर ये अस्तात होती है या उसके अंदर कैपेसिटी होती है औलाद को बीमारी कि अगर कर उसको सकता। उसकी तरह का थैलेसीमिया माइनर से उसकी शादी हो जाए तो आने वाले बच्चे को मेजर हो जाएगा, तो उसको तो थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। और जिस बच्चे को दोनों एबनॉर्मल जीन्स होती हैं, जो बिल्कुल ही खून नहीं बना पा रहा होता, जिसका 6 महीने के उम्र में जिसमें खून बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और आइंदा ज़िंदगी गुजारने का दारोमदार खून लगने के ऊपर है, खून ट्रांसफ्यूजन होने के ऊपर है, हर माह इंतकाल खून के ऊपर है, मुंतकिल खून के ऊपर है, उन बच्चों को थैलेसीमिया मेजर कहते हैं जी। इसके अलावा एक टाइप होती है जिसको इंटरमीडिया कहते हैं, मगर थैलेसीमिया इंटरमीडिया वो बच्चे होते हैं कि जो कि जिनके अंदर थोड़ी सी सलाहियत मौजूद होती है खून बनाने की, तो एक आइडियल बच्चे की तरह 10-11 तो खून नहीं बना रहे होते, मगर 7-8 के दरमियान उनका हीमोग्लोबिन रह रहा होता है जी। और अक्सर कुछ मॉडर्न तहकीक जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने की है, उसके तहत हमने ये महसूस किया है कि कुछ नई दवाइयाँ हमने तहकीक करके मॉडर्न रिसर्च के तहत हमने ईजाद की हैं कि जिसके बाद इन बच्चों जो इंटरमीडिया के बच्चे हैं ख़ास तौर पर, इनका खून हम 7 ग्राम से 9 ग्राम पर भी ले जा सकते हैं। तो माशाल्लाह इस नई रिसर्च के बाद जो गुज़िश्ता 10 साल से जिसमें मेरी जो रिसर्च टीम है और हमारा इदारा जो है बहुत ज़्यादा मुंसलिक था, हमने ये कामयाब रिसर्च की जिसको अमेरिकन जर्नल्स में पब्लिश हुआ, अभी हाल ही में जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी की अमेरिका में मीटिंग हर साल होती है उसमें हमारा ये रिसर्च पेश की गई जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जिस तरह अभी आपसे बात हो रही थी कि थैलेसीमिया अब बाकी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, मगर पाकिस्तान और हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं इनमें बढ़ता जा रहा है, और हमारे पड़ोसी ममालिक में भी जो है इंडिया या बांग्लादेश में तो बढ़ रहा है पाकिस्तान में, मगर बहुत कामयाब स्टोरी है ईरान की हमारे पास कि उन्होंने वो तमाम तरीके जो ग्रीस और साइप्रस में इस्तेमाल करके इस बीमारी को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, उन सबको अपनाया है। और उसके बाद अब वहाँ पे हालात ये हैं कि एक सूबा ऐसा है कि जहाँ पे एक साल में, 5 साल पहले अगर आप देखें तो 290 बच्चे पैदा हुए थे, और 5 साल बाद जब इस पूरे तरीके से इस बीमारी को रोकथाम की गई तो 295 के बजाय सिर्फ 15 या 20 बच्चे पैदा हुए। तो शदीद ज़रूरत है कि हम आगे फैलाएं जैसे कि इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके इसकी शराब में कमी वाक़ हो। अशरफ साहब, आपने तस्करा किया था शादी ब्याह का, जिससे पहले अगर स्क्रीनिंग करवा ली जाए तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दो माइनर्स की शादी आपस में ना हो, ताकि एक बच्चा जो मेजर हो वो दुनिया में ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि शादी ब्याह एक बड़ा पेचीदा मरहला होता है, बड़ा नाजुक मरहला भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके बाद मैच हो जाना मेरे ख्याल से ये भी एक करिश्मा है कुदरत का। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उसके अंदर फिर एक और शर्त बीच में लेकर आना बड़ा मुश्किल अमल है। डॉक्टर, कोशिश की जा रही है जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त जानेब तवज्जो दिलाई है, और उमैर सना फाउंडेशन जो गुज़िश्ता 9 साल से 8 साल से इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, जानी जाती है कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के बचाव और उसकी प्रिवेंशन के ऊपर जो बहुत मेहनत की है जिन ऑर्गेनाइजेशन ने, उनमें एक बानी ऑर्गेनाइजेशन है, पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है। हमने आज से कुछ 4 साल पहले ये कैंपेन आपके साथ भी शेयर की थी और लॉन्च की थी, और हमने तो बड़े बड़े निकनामे भी बोर्ड्स पे, साइन बोर्ड्स पे लगा दिए थे जिनमें थैलेसीमिया का स्टेटस हमने खुद से डाल दिया था कि भाई ये होना चाहिए एक आगही फैलाने के लिए, मगर हमने माशरे में इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देखा और हमने देखा कि इसकी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है मौजूदा माशरे में। तो एक तरह से हमने इस पायलट प्रोजेक्ट को देख कर के हमने ये चीज़ महसूस की कि अभी ये कामयाब नहीं किया जा सकता इस तरह से जूं का तूं। चुनाचे हमने जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं उनके साथ दोबारा बैठे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ हमने दोबारा इनपुट लिया, जिसमें हेल्थ मीडिया के लोगों से भी लिया, सोशल वर्कर्स से भी लिया। तो अब जो राय बन रही है या जिसके ऊपर अब काम शुरू हुआ है वो ये कि जी शनाख्ती कार्ड में अगर या बे फॉर्म में नादरा के थ्रू थैलेसीमिया का स्टेटस और ब्लड ग्रुप डाल दिया जाए तो ये इंतहाई बेहतर होगा, क्योंकि 18 साल की उम्र वो होती है जब बच्चों की शादी आमतौर पे नहीं हुई होती है, और अगर किसी को 18 साल में अपनी थैलेसीमिया के स्टेटस का पता होगा तो आगे उसके पास 5-7-8 साल हैं कि वो इसके बारे में आगे ही मालूम हो उसको। जब तक आपको नहीं पता हो तो आपके सामने से 100 बार थैलेसीमिया के वर्ड गुजर गए आप नहीं सुनेंगे,
जब आपके शिनाख्ती कार्ड पर थैलेसीमिया माइनर लिखा होगा तो कहीं भी थैलेसीमिया के बारे में कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, कहीं भी थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में बताया जा रहा होगा, कहीं कोई साइन बोर्ड देखेंगे, कहीं कोई अस्पताल देखेंगे, तो आप उसकी बारे में मालूम करेंगे। और जब आपको ये मालूम होगा कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है और अगर मेरी शादी थैलेसीमिया माइनर से हो गई तो 25% चांस है कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा होगा थैलेसीमिया मेजर का हो सकता है जिसको ज़िंदगी भर खून लगेगा, तो शायद फिर आप 10 बार सोचें कि मुझे अपने पार्टनर का भी थैलेसीमिया का स्टेटस मालूम कर लेना चाहिए। तो दिस विल बी अ मेथड, ये वो तरीक़ेकार होगा कि जो मेरे ख्याल से एक ऐसी शर्त होगी जो थोड़ा पीछे से जब बैकग्राउंड में आ रही होगी तो इतनी ज़्यादा महसूस भी नहीं होगी। जैसे कि निकाहनामे में तो ये होता है कि फ़ौरन सामने आती है बात तो थोड़ा सा एक झिझक होती है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर थैलेसीमिया के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।